हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। आज के दौर में हर कोई अपने बालों की परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे जो बाल होते हैं फ्रेंड्स, हमारी खूबसूरती का एक जरिया होते हैं। अगर हमारे बाल खूबसूरत अच्छे होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और अगर हमारे बाल सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा झड़ते हैं या बहुत ज्यादा कमजोर है, तो सामने वाला देखकर यही सोचता है जरूर इसकी हेल्थ जो है वो बीमार चल रही है। तो आज का जो नुस्खा है ये एक ऐसा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से आपका सपना भी पूरा होगा। और अगर आप अपने बालों को लंबा घना मोटा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए नई वीडियो लाऊंगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो में जो मैं यूज कर रही हूँ इस रेमेडी के लिए वो ये मेथी दाना है। और मेथी दाना हमें बहुत ही आसानी से हमारी किचन में मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो ये मसाले वालों के पास बाजार में बहुत ही आसानी से सस्ते दामों में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैं मेथी दाना ले रही हूँ फ्रेंड्स। मेथी दाना हमारे बालों के लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छा वरदान है। अगर हम इसको अपने बालों में यूज करते हैं तो हमारे बालों को जो भी हमारे बाल जिसके कारण भी झड़ रहे होते हैं, जिस भी पोषक तत्व की कमी से झड़ रहे होते हैं, वो दूर हो जाती है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं हमारे बालों के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारे खाने से ज्यादा हमारे बालों के लिए फायदेमंद होता है। अगर हम इसको सही से यूज करते हैं तो हमारे बालों पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। तो आपको करना क्या है, आपको मेथी दाना ले लेना है। बालों के अकॉर्डिंग आपको मेथी दाना लेना है कि आपके बाल में कितना ही आ सकता है, क्योंकि आपको इसे अपनी जड़ों में अपने बालों के ऊपर लगाना है, बालों की लेंथ में भी इसको आपको लगाना है। तो आप 3 से 4 चम्मच मेथी दाना ले लीजिए। और मेथी दाने को लेने के बाद आपको इसको भिगोना नहीं है, आपको इसे तुरंत मिक्सी के अंदर ग्राइंडर कर लेना है। मिक्सी के अंदर ग्राइंडर करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपको इसको पानी के साथ ही मिक्स करना है, तो आप इसको मिक्स करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहले से ही मेथी दाना का जो पाउडर है वो मिक्सी ग्राइंडर के अंदर बना लिया है, तो मैंने बिना पानी के बनाया था। अगर आप चाहें तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको ये कुछ इस तरीके से बनकर दिखाई देगा। इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी पाउडर ले लिया है। और दूसरी चीज फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एग योक, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, ये देखिए। तीसरी चीज लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच कर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपने 3 चम्मच मेथी दाना लिया है तो आप इसके अंदर 2 चम्मच कर्ड ऐड कीजिए, यानी कि दही। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसका एक पेस्ट बना लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हेयर मास्क की तरह बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसे किस तरीके से अपने बालों में लगाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से खोल लीजिए, और जहां पर भी आपके गंजापन है, जहां पर भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आप इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। और इसको अपने बालों की अच्छे से लेंथ पर भी आपको इसे लगाना है, और स्केल्प पर भी इसको अच्छे से लगा लीजिए, जड़ों में लगाना है। और लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से फिंगरों की सहायता से मसाज करनी है। और लगाने के बाद आपको अपने बालों को अच्छे से कवर कर लेना है, यानी कि जूड़ा बना लेना है। और जूड़ा बनाने के बाद आप अपने बालों में से 1 से 1.5 घंटा आप इसे लगे रहने दें। और जब आप देखेंगे कि सूख गया है तो फ्रेंड्स आपके जो बाल होंगे वो थोड़े से कीड़े हो जाएंगे, क्योंकि सूखने के बाद इस तरह का आपको महसूस होगा। और जब आप इसको धोएंगे, यानी कि अपने बालों को जब आप धो लेंगे, तो आपके बाल इतने सिल्की स्मूथ आपको नजर आएंगे, इतने सिल्की स्मूथ आपको महसूस होंगे कि आप अपने बालों को छुए बिना नहीं रह पाएंगे। इतने खूबसूरत आपके बाल हो जाएंगे। फिर बिलीव मी फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके बाल किस तरीके से पहले झाड़ू जैसे थे और अब आपके बाल कितने ज्यादा सिल्की स्मूथ शाइनिंग हो गए हैं। दूसरा, आपके बालों में आपको झड़ना बहुत ज्यादा कम नजर आएगा, क्योंकि पहले बार का रिजल्ट आपको इस तरह का दिखेगा। और जब आप इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके बाल इतने तेज से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में सबसे खास बात यह है कि हमने इसके अंदर मेथी दाने पाउडर का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, मेथी जो होती है वो बालों के झड़ने को कम करने के लिए काफी इफेक्टिव औषधि है। फ्रेंड्स, मेथी के बीजों में एंटीसिडेंट नामक हार्मोन होता है जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भी होता है जो बालों को न्यूट्रिशन
देता है। फ्रेंड्स हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स अंडा जो होता है हमारे रूखे सूखे पतलेपन से हमें निजात दिलाता है। फ्रेंड्स बालों में अंडे का उपचार बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें फ्रेंड्स विटामिन बी, नियासिन, क्लोरीन और पैंथोटेनिक एसिड की भरपूर मात्रा होती है। अंडे की मदद से आप सिर की जो तंतु होते हैं फ्रेंड्स उनकी शक्ति जो होती है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स ये इतना कारगर नुस्खा है, आप इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका रिजल्ट किस तरह का मिला। फ्रेंड्स इसको मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक से एक बार के इस्तेमाल से आप अपने बाल में बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको वीक में दो बार जरूर इस्तेमाल करें और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको इसका रिजल्ट किस तरह का मिला। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो आऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।